और 2019 में यदि लोग जिस आक्रोश जो चल रहा है गांवों गांवों में, लोग उस आक्रोश का रूपांतर करेंगे इलेक्शन के टाइम पे, तब हमें लगता है कि मोदी साहब चले जाने के, हमें चले जाओ बोलने की जरूरत नहीं है, चले जाएंगे ही। उस गाड़ी में जिस डब्बा में मैं बैठा था, वो अनरिजर्व डब्बा था, उस डब्बा में मेरे मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए पॉइंट नहीं था, और इसे मेरे बैटरी खत्म होने के बाद कोई मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन बुलेट ट्रेन में मेकअप करने के लिए एक स्पेशल रूम रहेगा, और उस मेकअप रूम में जो शीशा रहेगा, तीन प्रकार के शीशा रहेगा, ये साइड पीछे में, क्योंकि मेकअप करते वक्त ठीक तरह से देखना चाहिए। मैं ये मुद्दा उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि जब हम लोग कहते हैं जो प्राथमिकता के बारे में, बहुत बार हम लोग प्राथमिकता के बारे में एक दूसरे तरह के होते हैं कि शिक्षण आरोग्य उस प्रकार के, लेकिन उसी बुलेट ट्रेन में प्राथमिकता के बारे में, और जब हम देखते हैं कि बाकी के जो गाड़ियां चलती है हमारे देश में, ट्रेन जो चलती है उसमें क्या सुविधा, जब बंबई में एल्फिंस्टन रोड का जो फ्लाईओवर था कि ब्रिज था वो टूट नहीं पड़ी, उसमें चेंगाचेरी हुई थी, टूट पड़ी वो अंधेरी की इधर होती है उधर होती है, याद भी नहीं रहता है कि कहां टूट जाती है। 36 लोग मरे जो बंबई और विरार के बीच में, चर्चगेट और विरार के बीच में, लोग बहुत से महाराष्ट्र के लोग उनको पता है, वहां इतनी गर्दी रहती है ट्रेनों में, उसके लिए कुछ खास योजना तो है ही नहीं, नए सुविधाएं के लिए, नए सेफ्टी के लिए नहीं है। और इसलिए जैसे एक दूसरे स्पीकर ने भी कहा था कि प्राथमिकता है समाज में क्या चाहिए, और एक है दूसरा है कि रेलवे में क्या चाहिए, रेलवे में प्राथमिकता किस प्रकार का होना चाहिए। जो लोग आए हैं यहां, बहुत से लोगों की जमीन जाती है, और वे जरूर कहते हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारी जमीन जा रही है, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं कहते, आम जनता भी कहते हैं कि हम उस गाड़ी में कभी भी नहीं जाएंगे, हम कभी भी नहीं जाएंगे उस गाड़ी में। और ये भी ये लोग कहते हैं कि जब पैसा वापस देना पड़ता है जापान को, तब हमारे जेब से भी पैसा जाएगा, और इसलिए लोग इधर आए हुए हैं। बाकी के बातें येन के बारे में पता नहीं है, बाकी के बातें में कम जानकारी होगी साधारण किसान, साधारण आदिवासी जो आए हुए हैं, लेकिन इतना तक हमें पता है, इतना तक हमारी जानकारी तो है ही। और इसलिए जब आते हैं जमीन लेने के लिए, सरकार कहते हैं महाराष्ट्र में कि हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, सच में जमीन अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गुजरात में अधिग्रहण कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि आपके सम्मति से हम लोग जमीन ले रहे हैं, आपके कंसेंट लेके हम ले रहे हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस इलाके से बुलेट ट्रेन जा रही है, पालघर जिला, थाने जिला, वो आदिवासी क्षेत्र है, वो अनुसूचित क्षेत्र है, और उस अनुसूचित क्षेत्र में जीका, जो हम लोग कहते जीका ने बड़े बातें रखी है इसके बारे में, उनका कई गाइडलाइंस है, और जीका के गाइडलाइंस ऐसे कहते हैं कि जहां अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र नहीं, जहां इंडिजिनियस पीपल है, जहां अनुसूचित जाति जमाती के लोग है, उनके अधिकार छीना नहीं जा सकता, उनकी गाइडलाइंस भी लिखा हुआ है। और यह भी लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस
या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जो संगठन है उनका जो डिक्लेरेशन है, उनका जो घोषणा पत्र है आदिवासियों के बारे में लिखा हुआ है, वहां तीन बातें आदिवासियों के बारे में लिखा हुआ है। एक है कि उनके जमीन से उनको निकाला नहीं किया जाएगा, और शब्द यूज किया इंग्लिश में शैल शब्द यूज किया है, शैल बंधनकारक है, उनको वहां से नहीं हटा सकते हैं। दूसरी बात, यदि रिलोकेशन हो जाए, यदि वहां से उनको हटाया जाए, तब उनका सम्मति के बगैर उनको नहीं हटा सकते हैं। और तीसरी बात लिखा है कि ये जो प्रकल्प आ रहा है, यदि ये प्रकल्प लोगों को नहीं चाहिए तब पर्याय क्या है, उसके बारे में भी सोच करना पड़ेगा। ये तीनों बात लिखा, तीनों बातें लिखा हुआ है यूएन डिक्लेरेशन में, और ये तीनों बातें जीका गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ। इसने भारत सरकार को ऐसे जीका, अभी ये ठीक है, ये भी जीका कह रहा है, तब यदि हमें करना पड़ेगा ऐसा, हम अधिग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से भी लोग कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए जीका को कि हम कंसेंट, हम लोग सम्मति के बिना हम लोग जमीन नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरह से भी लोग कर रहे हैं वो जैसे जबरदस्ती से ही ये लिया जा रहा है। जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि जब ये आते हैं सर्वे करने के लिए तो पुलिस लेके आते हैं, यहां एक सर्वे का नोटिस लोगों को मिला, सरकार कहते हैं, बुलेटिन वाले कहते हैं कि नोटिस कि हम लोग कंसेंट लेके गए, और कंसेंट से पहले और सिर्फ कंसेंट के बाद ही हम लोग सर्वे कर पाते हैं, लिखा हुआ है उसमें, उसके गाइडलाइंस में जो महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में एक जीआर निकाला कि अब जब हम लोग जमीन लेंगे तब सिर्फ कंसेंट के बाद सर्वे रहेगी। लेकिन ये कागज जो है लोगों को मिला और उन्होंने उसके पहले कंसेंट नहीं दिया, और तब लोगों ने उस गांव के 50 लोग उठे और कलेक्टर के ऑफिस जाके, टीएलआर के ऑफिस जाके, इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के ऑफिस जाके, हमारी सम्मति नहीं है दिखाओ, और दिखा नहीं पाया। अगले दिन आए थे सर्वे करने के लिए तो लोगों ने फिर वो बातें रखे कि कहां है सम्मति हमारी, अतः उन्होंने अंत में कहा ठीक है आपके जमीन पर हम नहीं जाएंगे, और नहीं गए, और वहां सर्वे रुका। लेकिन उसी गांव में, और ये बहुत महत्व की बात है हमारे आंदोलन के लिए, कि उसी गांव में दूसरे दो हैमलेट है, वहां के कई लोग बिक गए, क्योंकि सरकार दलाल भेजते हैं, गांव गांव में दलाल भेजते हैं, उसी गांव के दलाल, और लोगों को कन्विंस करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं सरकार। यदि लोग खूब विरोध कर रहे हैं, गए साल तलासरी में 40,000-50,000 लोग जमे हुए थे बुलेट ट्रेन के खिलाफ, ये साल ऑल इंडिया किसान सभा के लोग 40,000 के आसपास मुझे लगता है कि डहाणू में बड़ा कार्यक्रम रखा था, हमारे कश्मीरी संगठन के द्वारा, आदिवासी एकता के द्वारा बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, भूमि अधिकार आंदोलन की तरफ से बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी गांव गांव में सरकार उनके दलाल भेजते रहते हैं, और लोगों को कंसेंट, एक्चुअली कंसेंट नहीं है, सम्मति नहीं है, लेकिन जिस तरह से दबाव लगाते हैं लोगों को लगता है कि हमें पर्याय नहीं है, और कई लोगों को ऐसे उसके बाद ठीक है होने दो, कम से कम थोड़ा कुछ मिल जाएगा, कम से कम थोड़ा कुछ नहीं मिल जाएगा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए हमारा जो आंदोलन चालू ही रहेगा, हमारा आंदोलन और तीव्र करना ही पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि जीका ने कहा है कि हम इसमें नहीं करेंगे, अभी यदि पैसा नहीं देंगे बोला है, लेकिन हमें पता है कि इसके बाद गड़बड़ी करेंगे। इसने ये भी कहा है कि अभी के लिए अहमदाबाद से भिलीमोरा तक हम लोग गाड़ी चलाएंगे, महाराष्ट्र में नहीं,
लेकिन वो भी एक सिर्फ टप्पे की बात है। हमें पता है कि आंदोलन को और तीव्र करना पड़ेगा और तीव्र और इस तीव्रता से हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई पर्याय है ही नहीं ना। ये बोल के मेरे शब्द में दो शब्द समाप्त करता हूँ। जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड। जो